नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 9 उप सह संयोजन यौगिक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लवणों के बारे में जानते हैं कि लवण अम्ल और क्षार इन दोनों की क्रियाओं से हमें प्राप्त होते हैं, हमारे उप सह संयोजन यौगिक भी एक विशेष प्रकार के लवण होते हैं जिनका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आइए हमारी चर्चा को हम प्रारंभ करें। लवण जो कि अम्ल और क्षार दोनों की परस्पर क्रियाओं से प्राप्त होते हैं, सामान्यतः हम लवणों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें साधारण लवण, द्विक लवण तथा संकुल लवण कहते हैं। साधारण लवण वे लवण होते हैं जिनमें एक ही प्रकार का धनायन तथा एक ही प्रकार का ऋणायन उपस्थित होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, यहाँ Na+ तथा Cl- एक एक प्रकार के धनायन तथा ऋणायन उपस्थित है। जब साधारण लवणों को जल में घोला जाता है तो यह पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इनका जलीय विलयन इनमें उपस्थित सभी प्रकार के आयनों का परीक्षण देता है। द्विक लवण या डबल सॉल्ट जिन्हें हम कहते हैं, यह दो साधारण लवणों के संयोग से प्राप्त होते हैं, जैसे कार्नेलाइट जिसका सूत्र होता है KCl.MgCl2.6H2O, मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है NH4 2SO4.FeSO4.6H2O। द्विक लवण अपनी ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जैसे ही इन्हें जल में घोला जाता है तो यह अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। इनका जलीय विलयन इनमें उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देता है। यहाँ देखिए, हमें इन लवणों में एक विशेषता नजर आ रही है। विशेषता क्या है? यहाँ पर ऋणायन दोनों में समान है, जबकि इनके जो सरल हमारे पास लवण हैं उनके धनायन कैसे हैं, अलग अलग है। इसी प्रकार मोर लवण में देखिए, ऋणायन कौन है? सल्फेट है, तथा धनायन कौन है? अमोनियम है, तथा Fe+2 है। तीसरा प्रकार का लवण हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं संकुल लवण। यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त किए जाते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये पूर्णतया इनमें उपस्थित सभी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इनमें उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण इनका जलीय विलयन नहीं देता है। जैसे कि K4FeCN6 है, इसका जलीय विलयन K+ आयन का परीक्षण देता है, लेकिन Fe2+ आयन का परीक्षण नहीं देगा तथा CN- आयन का परीक्षण भी नहीं देगा, क्योंकि इनके जलीय विलयन में Fe2+ आयन तथा CN- आयन ये मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। यह विलयन हमें FeCN6 4- का परीक्षण दे सकता है। इन प्रकार के या इन विशेष प्रकार के लवणों को हम संकुल यौगिक कहते हैं, या इन्हें उप सह संयोजन यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। उप सह संयोजन यौगिक ऐसे जटिल यौगिक जिनमें धातु के परमाणु अनेक ऋणायनों या उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा उप सह संयोजन समन्वय बंध बनाकर बंधे रहते हैं, उन्हें उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक विशेष बंध बना होता है जिसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, तथा इन यौगिकों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे K3CrC2O4O3, CoCl2EnO2Cl, CONH3O5CO3Cl। समन्वय यौगिकों को या उप सह संयोजक यौगिकों को हम सामान्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसके आधार पर? जो इनमें संकुल बना हुआ है वह धनायनिक है या ऋणायनिक है, या वह उदासीन है, या उस यौगिक में धनायनिक व ऋणायनिक दोनों ही प्रकार के संकुल उपस्थित है। ऋणायनिक के लिए जैसे कि
K3CrC2O4 होल थ्राइस। यहाँ जो संकुल है, संकुल कौन सा होगा जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, वह संकुल है। यह संकुल यहां ऋणावेशित है। इसी प्रकार धनायनिक में क्या है हमारे पास में, CuNH3 होल 4, यह संकुल यहां धनात्मक आवेशित है। FeCO होल 5, यह एक उदासीन संकुल यौगिक है, यहां पर कोई भी धनायन या ऋणायन उपस्थित नहीं है। ऐसे भी संकुल यौगिक होते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही संकुल अवस्था में उपस्थित होते हैं, जैसे CO NH3 का होल 6, CrCN 6। उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। वर्नर को उपसह संयोजन यौगिकों का रसायन विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। वर्नर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। सर्वप्रथम वर्नर ने ही उपसहसंयोजक यौगिकों में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है इनकी व्याख्या करने का प्रयास किया था। इनके अनुसार उपसहसंयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता सामान्यतः आयनीय होती है, अर्थात आयनित हो सकती है, वो आयन बनाते हैं, और ऋणात्मक आयनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता अनआयनीय होती है, ये उदासीन अणुओं, धनायनों या ऋणायनों से संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या के बराबर होती है और धातु के लिए नियत रहती है। द्वितीयक संयोजकता का मान सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है, यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होकर के एक त्रिविमीय जटिल का निर्माण करते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। कोबाल्ट 3rd क्लोराइड के अमोनियम के साथ बने विभिन्न यौगिकों में यह पाया गया कि सामान्य ताप पर इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन आधिक्य में डालने पर कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ विलयन में ही रह जाते हैं। अब हमारे सामने जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या है हमारे सामने, देखिए फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन है CuCl3.6NH3। जब इसकी क्रिया करवाई तो हमें 3 मोल AgCl प्राप्त हुए। 3 मोल AgCl का प्राप्त होना यह दर्शा रहा है कि हमारे पास में क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में उपस्थित थे, अर्थात वह एक प्राथमिक संयोजकता को भी दर्शा रहे हैं। दूसरे उदाहरण में हमारे पास क्या है कि 2 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। 2 मोल AgCl प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2 क्लोराइड आयन हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उपस्थित थे। तीसरे उदाहरण में क्या है, 1 मोल AgCl देता है, अर्थात एक ही क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में उपस्थित है, अर्थात वह संकुल के बाहर उपस्थित है। 1 मोल AgCl देता है चौथे उदाहरण में भी, इसका अर्थ है कि एक ही क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, इस जानकारी के आधार पर हम उन यौगिकों का सही सही सूत्र लिख सकते हैं। उपरोक्त दी गई जानकारी के आधार पर जब हम इनका सूत्र लिखते हैं तो वह हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए फर्स्ट में क्या है, 3 क्लोराइड आयन बाहर है। सेकंड में हमारे पास 2 क्लोराइड आयन बाहर है। थर्ड और फोर्थ में 1-1 क्लोराइड आयन हमारे पास बाहर है। जब इनकी विद्युत चालकता को हम देखते हैं तो विद्युत चालकता देखिए हमें किस रेशियो में मिलती है, किस अनुपात में मिलती है, 1:3। 1:3 क्यों, 1 हमें धनायन मिला तथा 3 हमें यहाँ ऋणायन मिले। दूसरे में है 1:2, 1 धनायन तथा 2 ऋणायन। तीसरे तथा चौथे उदाहरण में क्या है, 1:1, क्योंकि 1 ही धनायन प्राप्त हुआ तथा 1 ही ऋणायन हमें प्राप्त हुआ था। आइए एक और उदाहरण द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में
कुछ योगिकों के सूत्र दिए हुए हैं तथा दिया गया है आधिक्य में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर एक मोल योगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या निम्न है। पहले में हमें क्या मिल रहा है कि 2 मोल AgCl बन रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 क्लोराइड आयन हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उपस्थित हैं, अतः इसका सूत्र निम्न होगा PdNH3 का होल 4 Cl2। दूसरे उदाहरण में क्या है, फिर से हमें 2 मोल AgCl प्राप्त हुए अर्थात 2 क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में उपस्थित हैं। सूत्र क्या बनेगा इसका, NiH2O का होल 6 Cl2। तीसरा उदाहरण कह रहा है कि हमें कोई भी AgCl का मोल प्राप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में नहीं था, हमारे सभी क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित थे। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र हो गया इसका H2PtCl6। चौथे उदाहरण में क्या है, एक AgCl प्राप्त हुआ अर्थात 1 क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उपस्थित है, तो इसका सूत्र क्या होगा, CONH3 का होल 4 Cl2 Cl। हमारा लास्ट उदाहरण है उसमें क्या लिखा गया है, 0 AgCl प्राप्त होते हैं अर्थात कोई भी क्लोराइड आयन बाहर नहीं है, सभी अंदर है, तो इसका सूत्र क्या बना, इसका सूत्र हो गया हमारे पास में PtNH3 का होल 2 Cl2। वर्नर सिद्धांत की कमियां, वर्नर सिद्धांत में हमें निम्नलिखित कमियां प्राप्त होती है, क्या है वो, केवल कुछ तत्वों में ही समन्वय यौगिक बनाने का गुण क्यों होता है, इसकी व्याख्या वर्नर द्वारा नहीं की जा सकी, क्यों नहीं सभी तत्व समन्वय यौगिक बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। दूसरा क्या है, समन्वय यौगिकों के बंधों में दिशात्मक गुण ही क्यों होते हैं, वहां पर अदिशात्मक गुण क्यों नहीं होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि दिशात्मक गुण सहसंयोजक बंधों में पाए जाते हैं। समन्वय यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय और प्रकाशीय गुणों की क्या स्थिति है तथा वह क्यों दर्शाते हैं तथा कुछ यौगिक क्यों नहीं दर्शाते हैं, इसकी व्याख्या भी वर्नर के द्वारा नहीं की जा सकी। उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द, इन शब्दों का हमें ध्यान रखना है तथा हमें यह इनका अर्थ भी अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें ये पता रहे कि इस परमाणु को, अणु को या इस इकाई को क्या बोला जाता है तथा इनके शाब्दिक अर्थ क्या है। सामान्यतः हम निम्न पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता जिसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहा जाता है, केंद्रीय परमाणु या आयन सेंट्रल एटम और आयन, तीसरा है हमारे पास लिगेंड, फिर है हमारे पास में उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय बहुफलक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम तथा होमोलेप्टिक व हेटरोलेप्टिक संकुल। उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता हम किसे कहते हैं, एक समन्वय इकाई एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का गठन करती है जो निश्चित संख्या में आयनों या अणुओं से बंधी होती है। उदाहरण के लिए CO Cl3 NH3 का होल 3 एक समन्वय इकाई है जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणुओं और 3 क्लोराइड आयनों द्वारा घिरा होता है। अन्य समन्वय इकाइयों के उदाहरण हमारे पास में निम्न प्रकार हैं। केंद्रीय परमाणु या आयन किसे कहते हैं, एक समन्वय इकाई में परमाणु या आयन जिसके चारों ओर एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में निश्चित संख्या में आयन या समूह बने होते हैं, केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाते हैं। जैसे कि NiCl2H2O होल 4, यहां पर हमारे पास में केंद्रीय परमाणु हमारा निकिल है। CO Cl NH3 होल 5 2 प्लस
यहाँ केंद्रीय परमाणु CO है तथा Fe CN6 3- या हमारे पास केंद्रीय परमाणु या आयन कौन है? Fe है। इन केंद्रीय परमाणुओं या आयनों को लुईस अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है वह लुईस अम्ल कहलाती है। लिगेंड्स समन्वय बंधों के माध्यम से समन्वय इकाई में केंद्रीय परमाणु या आयन से बंधे आयनों या अणुओं को लिगेंड कहा जाता है। ये लुईस क्षार होते हैं क्योंकि ये अपना एलपी डोनेट करते हैं, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। किसे देंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को। इसलिए ये क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ये एक साधारण आयन भी हो सकते हैं जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये कोई छोटे उदासीन अणु भी हो सकते हैं जैसे H2O, अमोनिया, एल्कोहल। ये बड़े अणु भी हो सकते हैं जैसे एथेन 1,2-diamine। ये बहुत बड़े आकार के अणु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन। लिगेंड्स के प्रकार। लिगेंड्स को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है जिन्हें क्रमशः एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, किलेट लिगेंड तथा उभयदंतुर लिगेंड कहा जाता है। दंतुर का अर्थ है डेंटेंसिटी, अर्थात उस अणु में या उस आयन में ऐसे कितने परमाणु उपस्थित हैं जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। यदि एक ही परमाणु द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है तो उसे एक दंतुर कहते हैं। यदि दो परमाणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। यदि दो से अधिक परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित हो जो एलपी दे सकते हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हो, इस प्रकार के लिगेंडों को बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। किलेट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक से अधिक दाता परमाणु युक्त होते हैं तथा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंध बना करके एक रिंग का निर्माण करते हैं, एक वलय का निर्माण कर लेते हैं जिसे हम किलेट वलय भी कहते हैं। उभयदंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या तो एक से अधिक होती है लेकिन एक समय में कोई एक ही परमाणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। एक दंतुर लिगेंड जैसे कि क्लोराइड आयन है, H2O है, NH3 है, इन सभी में एक एक दाता परमाणु उपस्थित है। H2O में ऑक्सीजन दाता परमाणु है तथा अमोनिया में नाइट्रोजन दाता परमाणु है। द्विदंतुर लिगेंड जैसे इथेन 1,2-diamine, यहाँ पर दो दाता परमाणु, एक ये नाइट्रोजन तथा दूसरा ये नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करते हैं। ऑक्सलेट में दो ऑक्सीजन परमाणु हैं जो दाता परमाणु का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से एक बहुदंतुर लिगेंड है जिसे इथेन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो कहा जाता है। यहाँ पर 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं अतः इसे हेक्साडेंटेन लिगेंड भी कहा जा सकता है। किलेट लिगेंड कौन से होते हैं? ये बहुदंतुर लिगेंड ही होते हैं तथा ये वलय बनाते हैं। यदि ऐसा बहुदंतुर लिगेंड जो वलय बना रहा हो तो उसे किलेट लिगेंड भी कहा जाएगा। उभयदंती लिगेंड इनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं जैसे NO2- में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु है लेकिन एक समय में कोई एक ही परमाणु अपना एलपी डोनेट करता है। इसी प्रकार CN- में कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों दाता परमाणु है परंतु किसी एक समय में कोई एक ही अपना एलपी डोनेट करेगा। HCN में सल्फर तथा नाइट्रोजन दोनों दाता परमाणु है तथा किसी एक समय में कोई एक ही अपना एलपी डोनेट करता है इसलिए इन्हें उभयदंती लिगेंड कहा जाता है। यह द्विदंतुक लिगेंड नहीं है। द्विदंतुक लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं तथा दोनों अपना एलपी डोनेट कर सकते हैं लेकिन उभयदंती लिगेंड में दाता परमाणु तो दो होते हैं लेकिन एक समय में
कोई एक ही अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ये देखिए यहाँ पर एक हमारे पास में धातु है, धातु के साथ में एक द्विदंतुक लिगेंड ने एक वलय का निर्माण कर लिया है। इस वलय को किलेट वलय कहते हैं। अब इस लिगेंड को किलेट लिगेंड भी कहा जाता है। किलेट वलय बन जाने से स्थायित्व में वृद्धि होती है। यह है इथेन 1,2 डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो। यहाँ पर 6 दाता परमाणु उपस्थित हैं। 4 तो हमारे पास में ऑक्सीजन है तथा 2 ये नाइट्रोजन है। यह एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसी प्रकार से देखिए हमारे पास में क्या है कि उभयदंतुक लिगेंड है, जैसे कि NO2 बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी समय में कोई एक ही अपना LP डोनेट करता है। इसी प्रकार SCN में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हैं तथा किसी एक समय में कोई एक ही अपना LP डोनेट कर सकता है। उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कॉम्प्लेक्स में धातु आयन की समन्वय संख्या को लिगेंड दाता परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे धातु सीधी बंधी होती है या सीधा बंध जिसके साथ में बना होता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यह हमारा प्रथम संकुल है। यहाँ हम देखते हैं कि 6 क्लोरीन PT के साथ में बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 6। दूसरे उदाहरण में देखिए 4 अमोनिया निकल के साथ में बंद बना रखे हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या है 4। तीसरे उदाहरण में देखिए 3 ऑक्सलेट आयन हमारे पास Fe के साथ में बंद बना के रखते हैं। ऑक्सलेट आयन एक द्विदंतुक लिगेंड है, अतः एक आयन में 2 दाता परमाणु है। हमारे पास यहाँ 3 आयन उपस्थित है, अतः 2 × 3 = 6, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। इसी प्रकार चौथे उदाहरण में देखिए 3 EN CO के साथ में बंद बनाए हुए हैं। EN किसे कहते हैं? इथेन 1,2 डाइएमीन। यह एक द्विदंतुक लिगेंड है, 3 जुड़े हुए हैं, 3 × 2 = 6, इसलिए इसकी समन्वय संख्या भी 6 होती है। समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंडों को गुरु कोष्टक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वय मंडल कहलाते हैं, अर्थात जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा उसे हम समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। आयननीय समूह गुरु कोष्टक के बाहर लिखे होते हैं, जिन्हें प्रति आयन या काउंटर आयन या मंडल आयन भी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप K4Fe-CN6, यहाँ पर Fe-CN6 4- समन्वय मंडल है तथा हमारा K+ काउंटर आयन है, जिसे प्रति आयन या मंडल आयन भी कहते हैं। समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था केंद्रीय परमाणु के बारे में एक समन्वय पॉलीहेड्रॉन को परिभाषित करती है, अर्थात वह त्रिविम में किस प्रकार से व्यवस्थित है। समन्वय बहुफलक अष्टफलक वर्ग तलीय और चतुष्फलकीय प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए CO(NH3)3+ एक अष्टफलकीय ज्यामिति वाला समन्वय बहुफलक है। इसी प्रकार NiCO(4) एक चतुष्फलकीय है तथा PtCl(4)2- एक वर्ग समतलीय ज्यामिति का बहुफलक है। धातु परमाणु या आयन के चारों ओर लिगेंड त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित होकर के एक बहुफलक का निर्माण करते हैं। यह बहुफलक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो कि इनकी ज्यामिति के अनुसार होते हैं, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय पिरामिडी या वर्ग पिरामिडी प्रकार के। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युगलों सहित हटा दिया जाए तो केंद्रीय परमाणु
पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे CuCN4 2- में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तथा इसे Cu ऑक्सीकरण संख्या को हम ब्रैकेट में लिखते हैं तथा उसे रोमन में प्रदर्शित किया जाता है। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिन संकुलों में धातु केवल एक ही प्रकार के दाता समूह से बंधी होती है, उन्हें होमोलेप्टिक कहा जाता है। जैसे CONS3Hol6 3+, अर्थात यदि संकुल में एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित है तो उसे होमोलेप्टिक कहते हैं। यदि संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उन्हें हेट्रोलेप्टिक कहा जाता है। हेट्रोलेप्टिक संकुल है CONS3Hol4Cl2+। एक से अधिक यदि हमारे पास में लिगेंड है, हेट्रोलेप्टिक। यदि एक ही प्रकार के हमारे पास में लिगेंड है तो उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर, जिन्होंने सबसे पहले उपसहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत दिया था, उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर प्राथमिक तथा द्वितीयक दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। प्राथमिक संयोजकता जो कि हमेशा एक ऋणायन से ही संतुष्ट होती है, तथा द्वितीयक संयोजकता जो ऋणायन, धनायन या किसी उदासीन परमाणु से भी संतुष्ट हो सकती है। ऋणायन हमारे पास ऐसा होता है जो किसी धातु की प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। साथ ही अभी तक हमने जाना कुछ पारिभाषिक शब्दावली जिनकी सहायता से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान का अध्ययन कर पाएंगे, इन यौगिकों का अध्ययन कर पाएंगे। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि इन यौगिकों का IUPAC नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। एक केंद्रीय उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, इन यौगिकों का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जाता है उसके लिए हमारे पास ये नियमावली है। पहले हमें क्या करना है, धनायन अथवा ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उपसहसंयोजन सत्ता में सर्वप्रथम हमें धनायन का नाम लिखना होता है, उसके पश्चात हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। केंद्रीय परमाणु या आयन के नाम से पूर्व लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में सफिक्स ओ आता है, जैसे कि हमारे पास ऋणावेशित लिगेंड है क्लोराइड, तो उसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, सबसे लास्ट में से ई को हटाना है, वहां ओ लगा देना है, क्लोराइडो, या फिर उसका नाम हमें क्या लिखना है, क्लोरिडो, इस तरह से उसे बोलना है। अंत में नाम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। इसी प्रकार से उदासीन तथा धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदले जाते हैं, जैसा हम उन्हें जानते हैं वैसा ही नाम लिख देते हैं। कुछ उदासीन लिगेंडों के लिए हमारे पास अपवाद है जिनका हम विशेष नाम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनिल तथा NO के लिए नाइट्रोसिल शब्द प्रयोग में लेते हैं। जब इन्हें उपसहसंयोजन सत्ता के सूत्र में लिखना होता है तो इनको कोष्टक में लिखा जाता है, जिससे कि हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। CO लिखना है तो छोटे कोष्टक में हम CO को लिखेंगे, H2O लिखना है तो भी उसे हम कोष्टक में बंद करके लिखेंगे। यदि उपसहसंयोजन सत्ता में एक ही प्रकार के लिगेंड संख्या में एक से अधिक हो तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए नाम से पूर्व डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द प्रयोग में लाते हैं। यदि लिगेंड के स्वयं के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द हो तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तथा ऐसे लिगेंड को कोष्टक में लिखा जाता है। लिगेंड का नाम हमें कोष्टक में लिखना होता है, जैसे कि NiCl2PPS3Hol2, ये हमारे पास में उपस्थित है, इसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए PS3 P PS3
इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। ये कितनी संख्या में उपस्थित है, दो। अब लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो हम उसकी संख्याओं को 20 30 आदि से प्रदर्शित करते हैं। या हमारे पास में ये संख्या में दो उपस्थित है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 20, तथा लिगेंड का नाम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बंद कर दिया, ट्राई फेनिल फॉस्फिन लिख दिया। ये तरीका है यहाँ पर, यदि लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्द आते हैं तो उनके संख्याओं का प्रीफिक्स किस प्रकार से लिखा जाए। उपसंयोजन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में कोष्टक में दर्शाते हैं। यदि संकुल एक धनायन या उदासीन अणु हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। यदि संकुल आयन एक ऋणायन हो तो धातु के नाम के अंत में अनुलगन एट लगाया जाता है, ATE। जैसे अगर आयरन हमारा ऋणात्मक संकुल में उपस्थित है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट। कुछ तत्व हमारे पास ऐसे हैं जिनका नाम हम लोग लैटिन नाम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि आयरन के लिए हम क्या कह रहे हैं, फेरेट। यदि क्रोमियम मेरा ऋणात्मक संकुल में उपस्थित हो तो उसके नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे, सफिक्स एट लगाएंगे और क्या बोलेंगे उसे, क्रोमेट। आइए अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं कि किसी संकुल का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जा सकता है। हमारे पास संकुल है CrNH3 का होल थ्राइस H2O होल 3Cl3। इसका नाम क्या होगा, देखिए दो प्रकार के लिगेंड उपस्थित है, एक है एमीन, दूसरा है हमारे पास एक्वा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एमीन पहले आता है, कितने एमीन है, तीन है, इसलिए ट्राई एमीन। एक्वा कितने हैं, तीन, इसलिए ट्राई एक्वा। क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है तीन, क्रोमियम थर्ड, और बाहर हमारे पास आयन उपस्थित है क्लोराइड आयन, उसका नाम क्या होगा, क्लोराइड ही, क्योंकि वह लिगेंड के रूप में नहीं है, तो इसका नाम क्या बना हमारे सामने, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड, क्लोराइड। अगला उदाहरण देखिए, CO, H2N, CS2, CS2, NS2, ये EN है, इथेन 1,2 डाई एमीन यहाँ उपस्थित है, कितने हैं संख्या में, तीन। लिगेंड के खुद के नाम में डाई शब्द आ रहा है इसलिए हम तीन को ट्राई न लिख करके ट्रिस लिखेंगे। इसके अनुसार हमारा इसका नाम क्या बनेगा, ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन। लिगेंड के नाम को हमें ब्रैकेट में बंद करना है क्योंकि लिगेंड के नाम में डाई शब्द है। उसके बाद धातु का नाम क्या है, कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है तीन, तथा बाहर जो हमारा आयन है वह कौन है, सल्फेट। इसका पूरा नाम क्या बना, ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अगला उदाहरण देखिए, AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस। हमारे पास अब यहाँ पर दो संकुल उपस्थित है, धनात्मक संकुल भी है तथा ऋणात्मक संकुल भी उपस्थित है, तो नियमों के अनुसार इसका नाम क्या बनेगा, देखिए पहले वाले संकुल में हमारे पास दो एमीन उपस्थित है इसलिए डाई एमीन, फिर एजी को क्या बोलेंगे, सिल्वर। दूसरे में देखिए हमारे पास दो सीएन उपस्थित है इसलिए डाई साइनाइडो। सीएन कैसा होता है, एक ऋणात्मक लिगेंड होता है, उसके नाम के अंत में ओ लिखा जाता है इसलिए साइनिडो, डाई साइनिडो। अब सिल्वर जो है हमारा, यहां पर देखिए ऋण आवेशित संकुल में है, जब ये धन आवेशित संकुल में उपस्थित था तो उसके नाम में हमने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जब ये ऋण आवेशित संकुल में होगा तो इसके साथ हम ATE एट सफिक्स लगा करके लिखते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, अर्जेंटेट। इसलिए पूरा नाम क्या हुआ इस संकुल का, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनेडो अर्जेंटेट फर्स्ट। अगला उदाहरण देखिए, CO Cl2 EN होल ट्वाइस Cl। यहां पर हमारे पास में दो प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं, इथेन 1,2 डाई एमीन तथा Cl क्लोरिडो।
अल्फाबेटिकली क्लोरिडो पहले आता है, अतः इसका नाम क्या बनेगा? डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाईएमीन। बिस शब्द काम में क्यों लिया? क्योंकि लिगेंड के नाम में डाई शब्द आ रहा है और ये संख्या में दो उपस्थित है, इसलिए हमें डाई की जगह क्या लेना था? बिस लिखना था। कोबाल्ट 3-क्लोराइड। एक और उदाहरण देखिए, पीटी NH3 का होल ट्वाइस CLNO2। इसका नाम क्या होगा? हमारे पास में देखिए कितने प्रकार के लिगेंड आ गए हैं, तीन प्रकार के लिगेंड यहां पर उपस्थित है। इसका नाम क्या बनेगा? डाईएमीन, दो अमोनिया है, क्लोरिडो, नाइट्रिटो-N। नाइट्रिटो-N का अर्थ क्या हो गया कि NO2 हम जानते हैं कि उभय दंतुक लिगेंड है, यहां पर नाइट्रोजन ने धातु के साथ में बंध बनाया हुआ है, इसलिए नाम क्या होगा? नाइट्रिटो-N। यदि ऑक्सीजन बंध बनाता तो हम यहां क्या लिखते? O, नाइट्रोजन की जगह O आ जाता, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन ने बंध बनाया हुआ है इसलिए N लिखा जाएगा। प्लेटिनम 2। पूरा नाम क्या बना इसका? डाईएमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम 2। अगला उदाहरण देखिए, K3CrC2O4 होल थ्राइस। इसका नाम क्या बनेगा? पोटेशियम, जो पहले वाला हमारे पास धनायन उपस्थित है पोटेशियम, उसके बाद हम संकुल का नाम लिखेंगे, संकुल में हमारे पास तीन ऑक्सलेट उपस्थित है, क्या नाम बनेगा? ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। सो पूरा नाम क्या हो गया? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। अगला उदाहरण है Hg(CO)SCN(4)। इसका क्या नाम बनेगा? मर्क्यूरी 1। यहां मर्करी अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तथा अब संकुल का नाम लिखेंगे, संकुल में हमारे पास चार लिगेंड उपस्थित है, इसलिए टेट्रा थायोसाइनेटो एस। एस का अर्थ क्या हुआ? SCN में सल्फर ने कोबाल्ट के साथ में बंध बनाया हुआ है, यदि नाइट्रोजन बनाता तो हम N लिख देते, कोबाल्टेट 3। अगला उदाहरण देखते हैं, CONH3 का होल 5 CO3Cl। इसका नाम क्या बनेगा? हमारे पास 5 अमोनिया है, सो नाम क्या हो गया? पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3-क्लोराइड। अब एक और उदाहरण देखते हैं, जिसमें देखिए हमारे पास ये दोनों संकुल उपस्थित है, धनायन भी तथा ऋणायन भी, दोनों एक संकुल है, तो पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। यहाँ 6 लिगेंड है, हेक्सामीन हो गया है, कोबाल्ट है, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 3 है। यहाँ ऋणावेशित संकुल में क्या है हमारे पास? हमारे पास में है 6 CN उपस्थित है, क्या बोलेंगे? हेक्सा साइनिडो बोलेंगे। क्रोमियम है, क्रोमियम को क्या बोलना है? क्रोमेट 3। क्या बोला जाएगा? क्रोमेट 3। इस संकुल का नाम क्या होगा? हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 हेक्सा साइनिडो क्रोमेट 3। एक केंद्रीय उपसहसंयोजन यौगिकों के सूत्र देखिए, हम IUPAC नाम की सहायता से उस यौगिक का सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास निम्न नियम है। सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु को लिखा जाता है, उसके पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। हमें यह ध्यान नहीं रखना है कि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है या उदासीन है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। बहुदंतुर लिगेंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखे जाते हैं। संपूर्ण उपसहसंयोजन सत्ता आवेशित हो अथवा न हो, उसके सूत्र को एक गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। यदि लिगेंड बहुप्रमाणुक हो तो उनके सूत्रों को कोष्टक में लिखते हैं। संकेताक्षर में लिखे लिगेंड को भी कोष्टक में लिखा जाता है। समन्वय मंडल धातु तथा लिगेंडों के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता है। जब आवेश युक्त उपसहसंयोजन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रतिआयन के लिखते हैं तो उपसहसंयोजन सत्ता का आवेश गुरु कोष्टक के बाहर दाईं ओर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जिसमें पहले आवेश की संख्या और फिर आवेश का चिन्ह लिखते हैं। धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से
संतुलित करके पूरा सूत्र लिख दिया जाता है। आइए कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास ये एक संकुल का नाम है, पोटेशियम एक धनायन है, तथा हमारे पास ये ऋणात्मक आवेशित संकुल है, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड। अब इसका हमें सूत्र लिखना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिंक को लिखेंगे। जिंक को लिखने के बाद में हमारे पास कौन है, OH है। कितने OH हैं, चार। तो जिंक को लिखने के बाद में हम OH लिखेंगे। OH में एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए OH को ब्रैकेट में बंद करके 4 लिखा जाएगा। फिर हम इसे धनायन के साथ में संतुलित करके एक सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिख देते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चार हमारे पास अमोनिया है, H2O है, Cl है, तथा धातु कौन है, कोबाल्ट है। तो पहले हम लोग CO को लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट में अमोनिया को लिखेंगे। चार हमारे पास अमोनिया है, फिर ब्रैकेट में H2O को लिखा जाएगा, फिर हम Cl को लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट हमारा बंद कर देंगे, क्योंकि क्लोराइड हमारा एक काउंटर आयन है, तो Cl को हम बाहर लिख देंगे, तथा इसे धनायन तथा ऋणायनों को संतुलित करके लिख देते हैं। इसका सूत्र निम्न बनेगा। एक उदाहरण और देखते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। इसका सूत्र क्या बनेगा हमारे पास में, पोटेशियम के लिख दिया हमने, फिर हमारे पास संकुल में कौन था, एल्यूमिनियम, तो पहले हमने एल्यूमिनियम को लिखा। लिगेंड कौन है, ऑक्सलेटो C2O4। कितने थे हमारे पास में, 3, हमने 3 करके यहां लिख दिया। टेट्रा कार्बोनिल निखिल 0, यहां हमारे पास टेट्रामिन 4 है, कार्बोनिल CO है, निखिल Ni है। इसका सूत्र क्या बनेगा, ये इसका सूत्र हमारे पास में आ गया, NiCO4। इसी प्रकार से डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड। इसका सूत्र क्या बनेगा हमारे पास में, CO Cl2 En का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर जब हम पूरा आवेश लिखेंगे, क्योंकि हम बिना इसको प्रति आयन के काउंटर आयन के बिना लिख रहे हैं, तो हमें सबका आवेश जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए कोबाल्ट पर आवेश है +3, डाई एमीन कैसा होता है हमारे पास में, एक उदासीन अणु होता है, डाई क्लोराइडो क्लोरीन है -1 होता है, तो 2 पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, -2 क्लोरीन से हो गया हमारे पास, और कोबाल्ट का हो गया +3। -2 और +3 कितना होता है, +1, तो इस पूरे संकुल पर आवेश कितना आएगा, +1 आवेश उपस्थित होता है। आज के इस भाग में हमने चर्चा की वर्नर थ्योरी के बारे में, वर्नर सिद्धांत, जो कि उपसहसंयोजन यौगिकों में बंध किस प्रकार का होता है उसकी व्याख्या करने के लिए दिया गया था। हमने कुछ संकुल यौगिकों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का भी उपयोग जाना, तथा उन शब्दों का क्या अर्थ होता है ये भी हमने देखा। हमने देखा कि किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नाम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हमें IUPAC नाम दिया गया हो, तो हम उस नाम की सहायता से उस संकुल यौगिक का सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस पाठ के शेष बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।